फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बाजार में नए लिस्टेड हुए शेयर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी और रूट मोबाइल की। दोनों ही स्टॉक ने उन लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट दिलाए जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए थे, सीधे रकम दुगुनी। बहुत ही शानदार लिस्टिंग दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के आईपीओ ने लगभग 111 यानी 111% का प्रॉफिट दिया एक ही झटके में, और जिसने स्टॉक नहीं बेचा है उनको अब ज़बरदस्त और प्रॉफिट हो रहा है। और बात करते हैं दोस्तों रूट मोबाइल की, तो रूट मोबाइल की जो प्राइस बैंड रखी गई थी वो 200 थी 335/340 यानी 335 से 340 के बीच में रखी गई थी, और आईपीओ लिस्ट हुआ था दोस्तों करीब बीएससी में 708 पर और एनएससी में 717 पर, और सीधा दोस्तों एक ही दिन में मुनाफा 105% का। और जिसने स्टॉक को होल्ड करके रखा उसने तो और बम्पर पैसा बनाया दोस्तों, लगभग 3 गुना प्रॉफिट मिल रहा है। परंतु अब उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए थे और उन्होंने अभी तक शेयर नहीं बेचे, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? क्या अभी उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या स्टॉक को बने रहना चाहिए, और कब तक और स्टॉक में रहना चाहिए? और जिनको स्टॉक आईपीओ में अलॉट नहीं हुए हैं उन्हें अब क्या इस लेवल पर ख़रीदारी कर लेनी चाहिए या अभी और इंतज़ार करना चाहिए? साथ में दोनों स्टॉक में से सबसे ज़्यादा बढ़िया स्टॉक कौन सा है, उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको क्या है, पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करोगे तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी जिससे आपको लॉस होने की संभावना हो जाती है दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का स्टॉक दोस्तों 342.90 पर ओपन हुआ, फिर 340.20 का लो बनाया और फिर वहाँ से 386 का हाई बना के अभी ट्रेडिंग शुरू है दोस्तों। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 230 का टाइम है और स्टॉक करीब दोस्तों 377.90 पर करीब 12% अप पर ट्रेड कर रहा है। आज बीएससी में करीब दोस्तों 15,83,344 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 7,80,272 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 49.28% है, यानी ज़बरदस्त मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है। इसलिए स्टॉक के बढ़ने की पूरी संभावना बन रही है, आगे भी स्टॉक और बढ़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एनएससी की, तो एनएससी में करीब दोस्तों 1,22,53,230 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और 28,36,038 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 23.15% बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों रूट मोबाइल की, तो स्टॉक आज 932 पर ओपन हुआ, फिर 896 का लो बनाया और फिर 988 का हाई बना के अब दोस्तों 941.65 पर करीब 4.14% अप पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी ट्रेडिंग शुरू है। बीएससी में अभी तक दोस्तों 7,38,079 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 1,62,156 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 21.97% है, और एनएससी में करीब दोस्तों 72,66,220 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 8,61,968 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 11.86% है। दोनों स्टॉक में दोस्तों डिलीवरी बेस काम कम हो रहा है, इसलिए स्टॉक में गिरावट की संभावना बन रही है, यानी आगे स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, आप अपने हिसाब से उसमें डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोनों कंपनियों की थोड़ी, जिनके बारे में उनका अपने को आगे नॉलेज आए कि भाई कंपनियों का कामकाज कैसा है और आगे इन शेयरों में बने रहने में हमें कितनी समझदारी है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो रूट मोबाइल की, अपने फील्ड का ये नंबर वन खिलाड़ी है, यानी क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस में ये मार्केट का लीडर कंपनी है दोस्तों। कंपनी 800 से ज़्यादा मोबाइल ऑपरेटरों को अपनी सर्विस प्रदान करती है। कंपनी के पास करीब 3,150 क्लाइंट है। कंपनी का कामकाज पूरे विश्व में फैला हुआ दोस्तों, जैसे यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका में कामकाज हो रहा है दोस्तों। कंपनी के पास जो क्लाइंट है दोस्तों वो फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 की लिस्ट में शामिल है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, एविएशन, रिटेल ई कॉमर्स, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर में सर्विस देती है। इन शॉर्ट कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी का सारा कामकाज डिजिटल कम्युनिकेशन का है और कंपनी पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों तरह की सर्विस देती है। कंपनी का ऑपरेटिव मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है, इसलिए कंपनी का मुनाफा भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी का प्रॉफिट रेशियो ईयर बाय ईयर कंपनी का प्रॉफिट रेशियो लगातार हर साल बढ़ रहा है। कंपनी को 2018 में दोस्तों कुल प्रॉफिट 58.10 करोड़ का हुआ था, जो बढ़कर 2019 में
74.08 करोड़ हुआ और 2020 फाइनेंशियल ईयर में लगभग दोस्तों वो बढ़कर हो गया है 79.60 करोड़, यानी लगातार हर साल उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। कंपनी का 80% जो रेवेन्यू है वो दोस्तों फॉरेन करेंसी में ही जनरेट होता है। कंपनी को दोस्तों इस आईपीओ के बाद कंपनी के पास और ज़्यादा पूंजी आ जाएगी और जिसकी वजह से वो इसका इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ाने में और करेगी, इसलिए आने वाले वक्त में कंपनी का ग्रोथ और प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। तो आप ही सोच लो स्टॉक की प्राइस कितनी और ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों रूट मोबाइल आने वाला वक्त का एक मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत प्रॉफिट दिला सकता है, लेकिन जिसको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए हैं उन्हें एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि लगातार लिस्टिंग्स के बाद से ही दोस्तों स्टॉक में बढ़त हो रही है, इसलिए आने वाले एक या दो दिन में थोड़ी मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद यह फिर से ज़बरदस्त दौड़ लगाएगा। अभी जिसने नहीं खरीदा है उन्हें दो दिन का इंतज़ार करके थोड़े करेक्शन के बाद ही इसको खरीदना चाहिए। और ख़रीदने के लिए दोस्तों 770 का लेवल बहुत ही शानदार है, अगर इस लेवल तक स्टॉक आता है तो डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का टारगेट दोस्तों 1060 का है, और स्टॉक को अगर 6 महीने के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 1350 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और एक साल के लिए होल्ड करने पर आपको ये 1880 का टारगेट दे सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की। दोस्तों यह एक IT बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बेंगलोर में स्थापित है, उसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की सर्विस देती है। कंपनी के फाउंडर अशोक सुटा है जो कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर भी है, जो माइंडट्री के फाउंडिंग चेयरमैन है और MD है, और साथ में विप्रो के वाइस चेयरमैन भी है, यानी बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है अशोक सुटा। कंपनी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा में सर्विस देती है। कंपनी को ISO सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है दोस्तों। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। कंपनी 97% रिवेन्यू डिजिटल ऑफरिंग सर्विस से प्राप्त करती है, और 88% उनके प्रोजेक्ट जो है वो एजाइल डिलीवरी मेथोलॉजी से आते हैं। और अब इस IPO की पूंजी कंपनी के साथ जुड़ने के बाद कंपनी का कामकाज और ज़्यादा बढ़ेगा और स्टॉक पे इसका असर पड़ेगा दोस्तों। कंपनी जब ग्रोथ करेगी तो स्टॉक में भी और इजाफा होगा। तो दोस्तों जिनको IPO में शेयर मिले हैं उन्हें अभी स्टॉक में बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक की प्राइस अभी और बढ़ने की संभावना है। जिनको IPO में शेयर नहीं मिले और जो लेना चाहते हैं वो दोस्तों सोमवार को ख़रीद लें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का जो टारगेट है वो 410 का है, बहुत जल्द आएगा। और अगर आप स्टॉक को 6 मंथ के लिए अगर होल्ड करके रखते हो तो आपको 530 का टारगेट देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों 740 तक जा सकता है। और इसलिए ये दोनों ही स्टॉक बहुत ही शानदार है, इन्वेस्टमेंट आराम से किया जा सकता है। ये दोनों स्टॉक आने वाले समय के दोनों मल्टीमेगर स्टॉक है, और इन दोनों में से अगर आप बोलोगे कौन सा अच्छा है तो मेरे हिसाब से दोस्तों रूट मोबाइल जो है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि उसका जो कामकाज है उनकी कोई सानी नहीं है, यानी वो अपने फील्ड में लीडर है, इसलिए उनका कामकाज बहुत ही शानदार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो शेयर उससे छोटा है। हैप्पीएस्ट माइंड भी बहुत ही शानदार है, IT शेयर है, और इसमें भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए अब दोस्तों आप अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही IPO शानदार है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, फिर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।